13 एंटमैन एंड द वास्प फैक्ट्स जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक जैसे कि आपको पता है कि एंटमैन एंड द वास्प मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से कनेक्ट होता है और इन दोनों ही मूवीज की प्रोडक्शन साथ साथ हुई थी, जिसकी वजह से एंटमैन एंड द वास्प मूवी की डेवलपमेंट टीम को इन्फिनिटी वॉर के रिलीज से पहले इस ब्लिप के बारे में बताया गया था, क्योंकि उन्हें इस मूवी में इस ब्लिप वाले इफेक्ट को दिखाना था, जिसकी वजह से इन्फिनिटी वॉर मूवी की ये डिटेल इस मूवी की डेवलपमेंट टीम को पहले ही पता चल गई थी। और इस मूवी में दिखाया गया क्वांटम टनल सेट को एक्चुअल में स्पेशली इसी मूवी के लिए बनाया गया था, जो कि अब तक क्या ही सभी एमसीयू मूवीज में से सबसे लार्जेस्ट फिजिकल सेट था, क्योंकि इतना बड़ा फिल्मिंग सेट और किसी भी एमसीयू मूवी के लिए नहीं बनाया गया। और ये क्वांटम टनल सेट द टाइम टनल टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड था। स्कॉट इस मूवी में एफबीआई एजेंट जिमी वू को एक कार ट्रिक करके दिखाता है, इससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। और बाद में हमें एक सीन में दिखाया भी जाता है जिसमें जिमी वू उस कार ट्रिक को सीखने में लगा होता है। और इस मूवी के बाद जब वांडा विजन में जिमी वू मोनिका रैम्बो से फर्स्ट टाइम मिलता है, तो उसे मिलते हुए जिमी उसी सेम कार ट्रिक का यूज करता है जो कि स्कॉट ने इस मूवी में उसके सामने की थी। मूवी के एंड में स्कॉट, होप एंड कैसी जिस मूवी को देख रहे होते हैं, तो इस मूवी का नाम है देम, जिसे 1954 में रिलीज किया गया था। और इस मूवी में जायंट एंट्स का जो साउंड होता है, तो इसी सेम साउंड इफेक्ट का यूज X2 X-Men यूनाइटेड मूवी के इस सीन में भी किया गया था, जिसके बारे में आपको मेरे इस फैक्ट्स वीडियो में पता चलेगा। वेल तो ओल्डर एक्टर्स को यंगर दिखाने के लिए डीएजिंग वीएफएक्स का यूज किया जाता है, जो कि फर्स्ट एंटमैन मूवी के साथ साथ इस मूवी के ओपनिंग सीन में भी किया गया था। बट मूवी के इस सीन में जब डॉक्टर बिल फोस्टर के यंगर वर्जन को दिखाया जाता है, तो यहाँ पर डीएजिंग वीएफएक्स की बजाय ये रोल एक्टर लॉरेंस फिशबर्न के बेटे लैंगस्टोन फिशबर्न ने प्ले किया था। और पहले हमें इस मूवी में कैप्टन अमेरिका कैमियो भी देखने को मिलता, जिसमें सिविल वॉर मूवी की स्टोरी के किसी एक इवेंट को इस मूवी में दिखाया जाता जिसमें कैप्टन भी होने वाला था। बट मूवी के कई सीन्स में ऑलरेडी एंटमैन एंड द वास्प ने कैप्टन अमेरिका की बात की है, जिसे देखते हुए कैमियो को रिमूव किया गया था। फर्स्ट एंटमैन मूवी की तरह इस मूवी में फिल्म मेकर्स लुईस को इस लॉन्ग स्टोरी सीन के साथ दिखाना चाहते थे, बट ये सीन इस मूवी में रिपीटेड ना लगे तो इसी चीज को कवर करने के लिए इस सीन में ट्रूथ सीरम वाले आइडिया को ऐड किया गया था। You know what? You're right. This isn't truth serum because I don't feel anything. That was a lie. I do feel something. This is truth serum. There's no such thing. जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स इस लॉन्ग स्टोरी सीन को इस मूवी में कर पाए थे। एंड एंटमैन एंड द वास्प में लुईस एंड स्कॉट की सिक्योरिटी कंपनी का नाम एक्सकॉन होता है, जो कि एक्चुअल में क्लेवर नोड था फर्स्ट एंटमैन मूवी को, क्योंकि एंटमैन मूवी में ये दोनों ही कॉन्विक्स यानी क्रिमिनल्स होते हैं और अपने क्रिमिनल वर्क को छोड़कर ही अपनी कंपनी का नाम एक्सकॉन रखते हैं, जिसका मतलब एक्सकॉनविक्स होता है। मूवी में हमें हैंक पिम की पोर्टेबल लैब को दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के मेन पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होती, तो इसलिए हैंक पिम ने इन बड़ी बड़ी ड्यूरासेल बैटरी इसको इंस्टॉल किया होता है ताकि अपनी लैब को पावर दे सके, जो कि मार्वल की तरफ से बहुत ही क्लेवर डिटेल थी। स्कॉट ने इस मूवी में जो मैजिक ट्रिक्स की हैं, तो एक्टर पॉल रड ने इनमें से कुछ क्लोजअप मैजिक को एक्चुअल में सीखा था, जो कि इन्होंने इस मूवी में किया भी। वेल तो एक्टर पॉल रड बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और साथ में फनी भी, जिसकी वजह से मूवी के इस सीन को करने में इनके फेलो एक्टर्स को थोड़ी ज्यादा परेशानी हुई थी, जब जेना स्कॉट की बॉडी में घुसकर बात करती है। It's ridiculous. It's totally ridiculous watching Paul Rudd take on the mannerisms of Michelle Pfeiffer. क्योंकि ये सीन इतना वीर्ड था, जिसकी वजह से बार बार पॉल रड को देखकर हंसने लगते थे, क्योंकि इन दोनों एक्टर्स के लिए पॉल रड को देखकर मदरली एंड वाइफली इमोशंस को लाना थोड़ा मुश्किल था। घोस्ट को इस मूवी में एक फीमेल ने प्ले किया है, बट मार्वल कॉमिक्स में घोस्ट एक मेल कैरेक्टर है जो कि ओरिजिनली आयरन मैन का विलन होता है, जिसका एंटमैन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिसे उसकी पावर्स क्वांटम रियलम की बजाय उसके सूट से ही मिलती हैं। बट इस मूवी में घोस्ट की ओरिजिनलिटी चेंज कर दी गई है। अवेंजर्स एंड गेम मूवी तक हमें लेजेंडरी स्टैनली का कैमियो ऑलमोस्ट हर एक मार्वल मूवी में देखने को मिला है, जो परंपरा इस मूवी में पूरी की गई थी। बट शायद ही आपको पता हो कि इस मूवी में स्टैनली का जो कैमियो था, तो इसमें इन्होंने अपने इसी छोटे से सीन को ऑलमोस्ट 8 से 10 डायलॉग लाइंस के साथ शूट किया था। Oh no, my sandwich was in there. Well, at least now I'll be able to park in San Francisco. Oh man, I just stole this car. Thank God it's a rental. जिसमें से मूवी के लिए इस लाइन को सिलेक्ट किया गया था। Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. और एंटमैन 1 मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो।